आज मसाला किचन में बन रही है स्पेशल टेस्टी। टेस्टी तो हर चीज होती है, लेकिन इस रेसिपी का नाम ही है टेस्टी। ये मूंगफली होती हैं और ये कोटेड होती हैं, इतनी क्रिस्पी होती हैं, पता नहीं क्यों इसका नाम टेस्टी भी रखा गया है। हालांकि टेस्टी तो होती है, पर क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसे बनती हैं ये क्रिस्पी? खास ट्रिक से बनती हैं। मैंने मसाला किचन पे ढेर सारी आपको रेसिपी दी है नमकीन की, कई तरीके के नमकीन बनाए हैं। उसका आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे नमकीन बनाए। लेकिन उसके साथ भी हमने एक मूंगफली का जो नमकीन होता है वो नहीं बनाया था, तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स यही कहते थे कि वो नमकीन क्यों नहीं बनाते हो। चलिए आपको वो बना के दिखा देते हैं। इसकी आवाज़ सुनिए, जब आप आवाज़ सुनेंगे खुद ही पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या। सबसे पहले नॉर्मल सी मूंगफली, जो हमारे घर में मूंगफली होती हैं छिलके समेत, कोई पहले से भूनना नहीं है, कोई पहले से आपको उबालना नहीं है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल मूंगफली ले लीजिए। अब इसे मैं नाप के इसलिए बता रही हूँ जिससे उसी के अकॉर्डिंग हम और भी सामान ले सकें। मान के चलिए दो कटोरी, नॉर्मल जो घर में हमारे पास कटोरी होती है ना, दो कटोरी भर के दो से ढाई कटोरी मैंने मूंगफली ले ली, और दूसरे बोल में मैंने लिया एक कटोरी बेसन, बस बेसन और कुछ नहीं। बेसन में डाल दीजिए नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का फूल, ये है नींबू का सत भी बोलते हैं, नींबू का फूल भी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, शक्कर के दानों की जैसे होते हैं। हाफ टी स्पून डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ज़रूर डालना है। बाई चांस आपके पास ना हो तो एक से डेढ़ चम्मच आप नींबू निचोड़ के जरूर डालें। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा जो हमारे किचन में यूज होता है, ये दोनों चीजें बेहद जरूरी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तंदूरी कलर, जिसे रेड ऑरेंज कलर भी कहते हैं। ये ऑरेंज जो कलर है इसे आप स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इस बेसन को घोल रही हूँ। अभी मैंने एक कप पानी लिया था, मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगी कि इस टोटल मिश्रण में कितना पानी लगा। मैंने आज इसलिए मेजरिंग कप से भी नहीं बताया, नॉर्मल कटोरी जो घर में होती है बस उसी से ही आपको बता रही हूँ। ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए इसका बेसन, ना ही ज़्यादा पतला। अगर गाढ़ा होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी कि अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे ये मूँगफली, और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो कढ़ाई में जाके बिखर जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है, बस आपको ध्यान रखना है खास ट्रिक्स के ऊपर। पहली ट्रिक यही होगी कि आपको बेसन में ये दो तीन चीज़ें डालनी है, धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बनानी है बेसन की, पानी डाल डाल कर। यहाँ देखिए करीब करीब एक कटोरी जो बेसन था हमारे पास, उसमें एक कटोरी पानी डल गया, मतलब कटोरी या कप जो भी आप लेना चाहें। इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस तरीके से फ्लोइंग होनी चाहिए, बस एक आध चम्मच पानी बच गया है, ये देखिए। अब आप डाल दीजिए मूंगफली। मूंगफली बस चेक जरूर कीजिए कि मूंगफली कोई गंदा तो नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है। सोडा और साइट्रिक डालना बेहद जरूरी है, बस। अब इसे इस तरीके से मिक्स कीजिए। जब आप मिक्स करेंगे ना, आपको खुद लगेगा गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल बेसन इसके ऊपर चिपक सा गया। अब इस मूंगफली का जो टेस्टी नमकीन बनता है, इसे हमें चाय के साथ, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक के साथ बहुत पसंद आता है। इसे बनाएं और इंजॉय करें। एक और बात, आप इसके लिए ना बस रेशो का खास ध्यान रखें, इसलिए मैंने नॉर्मल आपको कटोरी से बेसन बगैर मूंगफली सब नाप के दिखाया है। इस तरीके से अगर परफेक्ट रेशो लेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। इसका क्रिस्पी बनना बहुत ज़रूरी है। मूंगफली को क्रिस्पी बनाने का इंतजाम तो हमने कर लिया, यहाँ पर उसे ढककर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। अब उसे और टेस्टी बनाने के लिए जो ये टेस्टी सा मसाला चाहिए उसे बना लेते हैं। यहाँ लिए मैंने कम से कम 25 से 30 पीस काली मिर्च, 10 से 12 लिए मैंने लौंग, एक लंबा सा पीस लिया दालचीनी का, बहुत थोड़ा सा जीरा, काला नमक एक चम्मच, दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक या सादा नमक, एक चम्मच चाट मसाला, और यहाँ लिया है मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर। बस ये सारे मसाले एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए, कुछ भी सेकने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सबको मिक्स करना है।
मिक्सी में पीसने से एक बढ़िया सा पाउडर बन जाता है। यही पाउडर आप किसी भी चाट में, किसी भी नमकीन में, किसी भी भेल में डालेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। पहले तो जो ट्रिक बताई कि बेसन को इस तरीके से घोलिए, उसमें इस तरीके से डालिए, वो पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक थी कि इसका मसाला पहले ही बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आपका ये मूंगफली फ्राई हो जाए उसके बाद आप मसाला बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी, उस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तीसरी ट्रिक है, तो हमें यहाँ पर फ्लेम जो है रखना है मीडियम, बहुत ज़्यादा लूज, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखना है। एक और बात, आपको यहाँ पर बनाने से पहले एक झारा लेना है, नॉर्मल जो पूरी तलने वाला झारा होता है उसी से ही हम इसमें डालेंगे। एक कोई दूसरी खुरपी या करछी ले लीजिए, उसके बैक साइड से हम इसे अलग अलग भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले सब कलेक्ट करके रख लीजिए, फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने खोल के आपको दिखा दिया है कि ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा सा ये मिश्रण इस सारे मूंगफली पर चिपका हुआ है। अब ये देखिए, मैंने झारे से इसमें डाल दिया है। अब किसी भी करछी से मैं बैक साइड से उसे इस तरीके से अलग अलग कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, जिससे क्या होगा, सारी मूंगफलियों पर कोटिंग तो है ही, लेकिन ये अलग अलग हो जाए। हालांकि नहीं भी होंगे अलग, कुछ दाने रह भी जाएंगे तो बाद में हम अलग कर सकते हैं, पर ऐसा करने से एकदम बढ़िया सी सब पर कोटिंग भी हो जाएगी और अलग अलग भी फ्राई हो जाएंगे। आप फ्लेम देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, मीडियम फ्लेम, जिससे मूंगफली अंदर तक क्रिस्पी होनी चाहिए और कम से कम 8 मिनट, 7 से 8 मिनट इसको फ्राई करने में लगेंगे एक बैच को। बस ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना, इसी से हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर रेसिपी में सारे ट्रिक्स बताऊँ, जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। धीरे धीरे चलाते जाइए और उसे ऑयल में से निकालने की बिल्कुल जल्दी ना करें। आपको चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसन डालकर बस इस ट्रिक से बनाइए। पहले जब हमने डाला था तो आपने देखा कितनी झाग थी, अब कोई झाग नहीं है, धीरे धीरे सारी झाग उसकी ख़त्म होती जा रही है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गए, 7 से 8 मिनट लगे हैं और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। आप चाहें तो एक आध पीस निकाल कर थोड़ा ठंडा करके आप चबा कर देख लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ फाइनली ये बहुत ही क्रिस्पी है तभी आप निकालिए। जब एक बार पहली बैच में अपने को अंदाज़ा लग जाता है ना कि कितने मिनट में ये फ्राई हुए, तो सेकेंड बैच को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे एक झारे में रखिए ताकि पूरा जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसका निकल जाए। घर में बनाना नमकीन इसलिए अच्छा लगता है कि आप फ्रेश ऑयल लेते हो और क्रिस्पी बनाते हो और जितना मन करे उतना बनाते हो। अब ये गरम गरम डालने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे 4 बैच बना रहे हो तो 4 बार मसाला थोड़ा थोड़ा करके सब में डालते जाइए। जब गर्म में आप मसाला डालेंगे ना तो बिल्कुल ये चिपक जाएगा मसाला। ये देखिए वही कलर आ गया ना, हल्दीराम जैसा। एक और बात, इसे ठंडा करने के बाद ही आप देखें कि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसी ऑयल में एक बार फिर से ये मूंगफली डाल दिए हैं। इसे जब आप झारे से कढ़ाई में डाल देते हैं ना, फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आपने डाल दिया, फटाफट से जब करछी से आप पीछे से ऐसे चलाएंगे ना तो अलग अलग मूंगफली हो जाएंगे। मसाला तैयार पहले से ही रखिए, जैसे ही वो निकले गरम गरम ऊपर से मसाला डाल दीजिए, फिर देखिए मज़ेदार सा मूंगफली। अभी थोड़े दिन पहले मैंने चना दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, कॉर्नफ्लेक्स के साथ नमकीन बनाया था उसकी रेसिपी दी थी। पहले भी मैंने कई टाइप के आपको नमकीन, मटरी, पापड़ी, शक्करपारे, बहुत सारे मीठे नमकीन बहुत सारे शेयर किए हैं। सारी मैं लिस्ट नीचे डाल दूंगी, आपको जो अच्छा लगे इस बार त्यौहार में आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। नमकीन में आपको और क्या सीखने का मन है, क्या रेसिपी आपको चाहिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। देखा ना पहले कितनी सारी झाग थी, अब जब झाग चली जाती है उसके बाद जब आप देखते हैं तो वो बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाता है और सारे मूंगफलियों के ऊपर बढ़िया सी एक कोटिंग भी है। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी मूंगफली अलग हो रही है और बेसन अलग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और कोशिश कीजिए मूंगफली जितना बड़ी साइज का मिलेगा उतनी अच्छी बात है। अब जैसे हम लोग कढ़ाई में फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो कुछ बेसन का पार्ट नीचे गिर जाता है, तो उसे भी आप साफ करिए, उसके बाद ही दूसरा बैच डालिए। ये देखिए मैं किस तरीके से उसे छन्नी से नीचे जो बेसन के कण हैं उसे निकाल रही हूँ। ऐसा करने से जब दूसरा बैच डालेंगे ना, तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। शुरू में जब डाल रहे हैं काफ़ी सारी झाग हो जाती है, और फ्राई होने के बाद, क्रिस्पी होने के बाद ये पूरी झाग निकल जाती है और सारे पीस अलग अलग हो जाते हैं। ये खास बात है। दूसरी बात, जब भी आप निकालें गरम गरम में ही मसाला डालें, तभी वो चिपका रहेगा। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगी। आपने भी शायद पहले कुछ कोशिश की होगी इसे बनाने के लिए। कैसी बनी थी, सही बनी थी या नहीं, प्रॉब्लम आई थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप इसे कब बनाने वाले हैं जरूर बताइए। अच्छा, एक और बात, ये सारे जब बन जाएं तब इसे एक बड़े बर्तन में डालिए, सारे मसालों को एक साथ पूरा मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसे ठंडा करिए। ठंडा जब पूरा हो जाए तभी आप किसी जार में भर के रखिए। ठंडे से पहले जार में बिल्कुल न भरें। मैं यहाँ पर आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, मूंगफली अंदर तक सिकी है और मुँह में जब आप डाल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया क्रंच आ रहा है। आवाज से तो आप समझ ही गए होंगे, बस ये तैयार है, इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।